जुर्म की दुनिया की जड़ें इतनी गहरी है कि अंत होता ही नहीं है। जितना बाहर फेंको उतनी ही अंदर चली जाती है। आकांक्षा दुबे मामले में भी मुख्य आरोपी समर सिंह और संजय सिंह दोनों जेल के अंदर बंद है, मगर फिर भी उनके नाम से धमकियां मिल रही हैं। पहले आकांक्षा की माँ को धमकियां मिल रही थी और अब आकांक्षा की उस दोस्त को भी धमकाया जा रहा है जिसने आकांक्षा का गवाही वाला वीडियो उसकी माँ को दिया था। सूत्रों की माने तो आकांक्षा की सहेली ने जब से ये वीडियो दिया है तब से ही उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिससे मजबूर होकर वो सहेली अंडरग्राउंड होने को मजबूर हो गई है और इसका खुलासा आकांक्षा की मां मधु दुबे ने खुद ने किया है। अब सवाल ये है कि जब समर सिंह और संजय सिंह दोनों अंदर हैं तो भला बाहर उनके नाम से कौन धमका रहा है? क्या समर संजय के अलावा कोई तीसरा भी इस पूरी साजिश में शामिल है? तो आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में जो नया वीडियो आया है उसने तहलका मचा रखा है। सारनाथ से लेकर वाराणसी तक पुलिस थानों में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं जेल में बंद समर सिंह भी बुरी तरह घबराया हुआ है क्योंकि उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत हाथ लग चुका है। अब वीडियो देने वाली लड़की के पीछे समर सिंह के गुंडे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, आकांक्षा की जिस दोस्त ने आकांक्षा की माँ को ये वीडियो दिया था अब उसी दोस्त की जान को खतरा है। उसे पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा धमकी भरे फोन आ चुके हैं। वो इतना डरी और घबराई हुई है कि उसने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है। अब आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सामने आकर इस बात का खुलासा किया है। आकांक्षा की मां मधु दुबे का कहना है कि आकांक्षा की दोस्त इस केस में हमारी मदद कर रही थी, उसी ने आकांक्षा के इस वीडियो को इंस्टाग्राम से रिकॉर्ड किया था और उसी ने हमें ये वीडियो दिया है ताकि हम कोर्ट में साबित कर सके कि समर सिंह ही आकांक्षा की मौत का जिम्मेदार है। आकांक्षा की मां मधु दुबे का कहना है कि पुलिस तो हमें सुन ही नहीं रही थी। हम जब भी पुलिस थाने जाते तो पुलिस के अधिकारी एक ही बात कहते कि सबूत लाओ और फिर बात करो। अब जब ये बात आकांक्षा की दोस्त को पता चली तो उसी ने हमें ये वीडियो दिया था। हमने अब तक उसका नाम और पहचान छिपाकर इसीलिए रखा था क्योंकि हमें डर था कि कहीं उसकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो जाए, मगर हमारी कोशिश बेकार गई। अब समर सिंह के गुंडे उस लड़की के पीछे भी पड़ गए हैं और उसे लगातार धमका रहे हैं, जिससे मजबूर होकर वो अपना फोन स्विच ऑफ कर कहीं छिप गई है ताकि गुंडे उस तक ना पहुंच सके। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी बेटी तो मर गई, मगर हम किसी और की बेटी के साथ गलत नहीं होने देंगे। मां मधु दुबे का कहना है कि उस लड़की के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ तो पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा क्योंकि हमने समय रहते पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। अगर लड़की को कुछ भी हुआ तो ठीक नहीं होगा। आकांक्षा की मां मधु दुबे का कहना है कि पुलिस को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि मेरी किसी और की बेटी इस दुनिया से ना चली जाए। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने आकांक्षा की दोस्त की सुरक्षा की मांग की है। अब हैरानी इस बात की है कि समर सिंह और संजय सिंह दोनों ही जेल के अंदर बंद है तो भला कौन ये सब धमकियां दे रहा है? क्या समर और संजय के अलावा कोई तीसरा शख्स भी इस केस में इन्वॉल्व है? सूत्रों की माने तो समर सिंह और संजय सिंह के अलावा संदीप सिंह पर भी शुरू से ही शक की सुई है। संदीप सिंह को लेकर आकांक्षा की मां लगातार गिरफ्तार करने की और पूछताछ करने की मांग करती रही है और संदीप सिंह ही आखिरी वो शख्स था जो कि आकांक्षा के साथ होटल के कमरे तक गया था। तो क्या इन धमकियों के पीछे संदीप सिंह का हाथ हो सकता है? क्या संदीप सिंह का किसी भी तरह का कनेक्शन इन धमकियों के पीछे है? और अगर है तो पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। तो आखिर कौन आकांक्षा के दोस्त को धमका रहा है? कौन नहीं चाहता कि पूरी साजिश का सच सामने आए? कौन आकांक्षा की दोस्त को इतना डरा रहा है? आखिर कौन हो सकता है वो? पुलिस को चाहिए कि समय रहते आकांक्षा की दोस्त को सुरक्षा प्रदान करे और इस पूरे मामले की जांच करे ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। तो आपको क्या लगता है कौन है इन सब के पीछे? क्या जेल में बैठकर भी समर सिंह अपनी गुंडई चला रहा है? आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भोजपुरी सिंगर और आकांक्षा दुबे के मौत के आरोपी समर सिंह इस वक्त वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद समर सिंह को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इस केस में समर सिंह पर जो धारा लगी है वो है भारतीय कानून संहिता की धारा 306। 306 यानी कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, जिसमें हमारे कानून में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा है। और जितने भी VIP केस उठाकर देख लो, किसी भी आरोपी ने 2-4 महीने से ज्यादा जेल में काटे ही नहीं। 2-4 महीने जेल में रहने के बाद आराम से जमानत मिल जाती है और फिर आरोपी अपनी पहले वाली नॉर्मल लाइफ में लौट आता है।
अब हाल ही में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अभिनेता शीजान खान को भी जमानत मिल चुकी है। शीजान फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट आए हैं। तुनिशा की मौत का असर झेल रहा है तो सिर्फ उसका परिवार, उसकी माँ। इसी तरह 3 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में 1 महीना जेल में रही और फिर जमानत मिल गई। रिया चक्रवर्ती भी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। फिल्म अभिनेत्री जिया खान के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। सूरज पंचोली को जमानत मिल गई थी। ऐसे कई केस बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में देखने को मिल जाएंगे जहां आत्महत्या के बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो जाता है और खुली हवा में बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीता है, जबकि वो किसी की मौत का जिम्मेदार होता है। मगर आकांक्षा दुबे की माँ के इरादे पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। वो ऐसी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती जो कि प्रीवियस केसेस में की गई। आकांक्षा दुबे की माँ पूरी तरह माइंड है कि वो समर सिंह पर 302 यानी कि इरादतन हत्या की धारा लगाकर ही दम लेंगी। अब आकांक्षा दुबे की मां के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी पहले ही कह चुके हैं कि वो समर सिंह पर लगी धारा को बदलवाना चाहते हैं, 306 को 302 में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो वकील ने इसके लिए याचिका तैयार कर ली है और अपनी एप्लीकेशन को लेकर कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो वकील त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका सबमिट करवा दी है, जिस पर कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। वकील की माने तो जिस वक्त आकांक्षा की मौत हुई थी उस वक्त उनकी माँ मधु दुबे बहुत ज्यादा सदमे में थी, क्योंकि बेटी की अचानक मौत की खबर ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। इसीलिए उस वक्त सारनाथ पुलिस के कहने में आकर उन्होंने समर सिंह के खिलाफ धारा 306 में केस दर्ज करवाया था, जबकि वो तो धाराओं के बारे में जानती तक नहीं थी। बस पुलिस ने जो जो कहा वो ही किया। मगर बाद में जब वकील और मीडिया के जरिए उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने वकील के जरिए 306 को 302 में बदलवाने का निश्चय किया और इसी आधार पर कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट कराई गई है। अब दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आकांक्षा दुबे की मां ही नहीं बल्कि लाखों फैंस भी चाहते हैं कि इस केस की जांच पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष रूप से हो, समर सिंह के प्रभाव में आकर नहीं। इसीलिए सभी की मांग है कि आकांक्षा दुबे की जांच पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई के द्वारा की जाए। अब इस बारे में वकील त्रिपाठी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब ये फैसला राज्य सरकार के जरिए होता है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेजे। वकील का कहना है कि इस पूरे केस में सारनाथ पुलिस तो पहले दिन से ही शक की सुई पर है, इसीलिए सीबीआई जांच ही सच को सामने लाने का एकमात्र जरिया है। वकील का कहना है कि आकांक्षा की मां की हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है। जब वो महिला होकर जान से मारने की धमकियों से नहीं डर रही तो भला मैं क्यों ना उनका साथ दूं। वकील का कहना है कि मैं आकांक्षा को इंसाफ दिलवाकर ही दम लूंगा और उसके गुनहगारों को असली जगह पहुंचा कर ही रहूंगा। तो कुल मिलाकर वकील की तरफ से धारा बदलवाने और धारा 302 पर क्या फैसला देती है और राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कब तक भेजती है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या समर सिंह पर धारा